इंदौर लोकसभा चुनावी सीट से सांसद प्रत्याशी रह चुकी जनता कांग्रेस नेत्री भावना सांगलिया पहुंची आईजी पुलिस इंदौर कार्यालय। पति के द्वारा प्रताड़ना को लेकर आवेदन एवं शिकायतों पर महू पुलिस थाने द्वारा एक साल से सुनवाई नहीं की जाने पर उन्होंने आईजी विवेक शर्मा से महू थाना द्वारा विभागीय कार्यवाही नहीं करने की मांग दोहराई। नेत्री एवं समाज सेवी श्रीमती भावना ने बताया कि विगत एक वर्ष से भी ज्यादा पति किशोर के साथ महू पुलिस मिलकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रही है तथा उनकी महू थाने पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुनील काले। सुनील जी, क्या खबर है, आप विस्तार से बताएंगे? मैम, भावना संगुलिया जी जो है मतलब उभरती हुई जनता कांग्रेस की नेता हैं जी। आगामी आवाज आ रही है सुनील जी, आप बताएं। चुनाव में इंदौर लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का दिन चुनाव लड़ा था, उनने अपने पति के खिलाफ जी। मैम, ये भावना संगुलिया जी की जो है जनता कांग्रेस की उभरती हुई नेता है, उनने पिछले चुनाव इंदौर लोकसभा चुनाव से लड़ा था, उनने अपने पति के खिलाफ एक वर्ष पूर्व मऊ थाने में आवेदन दिया था। पति जी सुनील जी, आप बताएं, आवाज आ रही है आपकी। कोई कार्रवाई होने के कारण वो अपने मऊ एडिशनल एसपी एसडीओपी विनोद शर्मा जी, एडिशनल एसपी अमित तोलानी जी से कई बार मिल चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने मऊ थाने के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण वो कुछ दिन पूर्व इंदौर डीआईजी विवेक शर्मा से मिली थी।